कोरोना आज के दौर का एक ऐसा नाम जिसको सुनकर हर कोई कांप उठता है। विषाणु प्रजाति का ये विषाणु जिसने मानव सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं एवरेजल इवेंट। आज बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस की खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी, इसकी कई सारी प्रजातियाँ भी हैं, लेकिन इसकी सारी प्रजातियाँ मानव के लिए हानिकारक नहीं है। इसमें से कुछ प्रजातियां जैसे सार्स, मार्स, कोरोना वायरस, जो कि स्तनधारियों में श्वसन से संबंधित बीमारियां फैलाते हैं। कोरोना वायरस कोरोनोवायरिडी फैमिली का सदस्य है, जो कि सिंगल स्ट्रैन आरएनए का बना होता है। ये तीन समूहों अल्फा, बीटा, गामा कोरोना वायरस में बटा होता है। यह मुख्यतः पक्षियों तथा कुछ स्तनधारियों में श्वसन से संबंधित बीमारियाँ उत्पन्न करता है। संक्रमण में सर्दी जुखाम जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे बाद में खांसी बुखार हो जाता है, गले में दर्द भी रहता है। कुछ समय बाद फेफड़ों में पानी बनने लगता है, जिसे सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी बनी रहती है। खांसी न रुकने तथा सांस न ले पाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।